दूसरी बात है, लेडी है, इज्जत करते हैं, लेकिन उनको बकवास नहीं करना चाहिए। हकीकत यह है कि अगर वो अपनी जगह मजबूत होते, आज तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो पूरे और पर भी कंट्रोवर्शियल मामला पेश आया। इससे पहले भी कश्मीर फाइल्स बनी है, तो मुसलमानों के जज्बात जो है मजरूह हो गए, तो क्या कहेंगे? मैंने कल भी ये बात की, क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक फिल्म पे हम के एक या दो फिल्म बनने से हमें नुकसान होगा या हमारे मजहब पे कोई असर पड़ेगा? ये इन लोगों की एक सोची समझी साजिश है। जैसे जैसे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, वैसे वैसे इनकी हरकतें और बढ़ेंगी। लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा, इन साजिशों का अकलमंदी से हमें मुकाबला करना है, और हमें कभी ये नहीं दिखाना है कि हम कहीं इन फिल्मों के बनने से या तो कमज़ोर हुए हैं या परेशान हुए हैं। इनको अपना झूठ फैलाने दीजिए, झूठ में असर नहीं होगा। सर, अमित शाह कल तमिलनाडु गए हैं, तो जो ही वो गए हैं उसके बाद निकले और वहाँ से अपोजिशन का जो वहाँ लीडर था, मिनिस्टर था, उसको ईडी ने छापा मारकर गिरफ्तार किया, तो आपको लग रहा है कि कश्मीर के अंदर और बाकी जगहों पे भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, अपोजिशन को दबाया जा रहा है? मुझे बताइए ना, किस रियासत में ये कार्रवाई नहीं हुई है? किस रियासत में नहीं आप, या किस अपोजिशन पार्टी के साथ ये नहीं हुआ है? ये रहता है, ये हमारा यहाँ पे सियासत करने का हमसे जो कीमत ली जाती है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और जहाँ तक उस मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया और जिस तरह उसके साथ वो पेश आए, उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज जो अभी देखने को मिला कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतल्लिक उनके तीन जो मेन आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हैं और उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, तो जिस तरह उनको धकेला जा रहा था और जो उसके साथ सलूक किया जा रहा था, शायद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन एजेंसियों को थोड़ा सा अपने बर्ताव पे सोचना चाहिए। सर, ट्विटर के सीईओ है, कल उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे किसान आंदोलन था तो उस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने हमें दबाव डाला है कि आप ट्विटर हैंडल को डाउन कर दीजिए, तो उन्होंने, हम क्या कह सकते हैं इसमें, वो बेहतर जाने, वो उस वक्त ट्विटर के सीईओ थे। अब उनकी लड़ाई चल रही है हमारे मिनिस्टर साहब के साथ, उन्होंने एक ट्वीट डाला तो मिनिस्टर साहब ने 10 ट्वीट जवाब में डाले। सच क्या है, झूठ क्या है, हमें नहीं पता ना। तो सर, अब इलेक्शन की अगर बात करें, क्या आपको लग रहा है कि आप इलेक्शन होंगे? क्योंकि क्योंकि सर आपने कल भी बयान दिया था, तो रक्षा इंद्राम ने पलटवार किया है, तो उमर साहब अब इतना बोल रहे हैं तो वो वेट करें इलेक्शन की, तो क्या कहें? क्यों वेट करूं? मैडम जी तो खुश होंगे, वो तो चाहती नहीं है इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी पार्टी का सफाया होगा, उनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, वो दूसरी बात है, लेडी है, इज्जत करते हैं, लेकिन उनको बकवास नहीं करना चाहिए। हकीकत ये है कि अगर वो अपनी जगह मजबूत होते, आज तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ होता। ये बीजेपी वाले क्यों इलेक्शन से दूर दौड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू में भी कश्मीर में भी वो हार का सामना करेंगे। अगर उनको हिम्मत है तो पार्लियामेंट इलेक्शन तो उन्होंने कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली कराएं, हम भी देखें। ऐसा मुझे वजह बताइए ना, ऐसा कैसे कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो, असेंबली का नहीं करा सकते हो? आखिरकार दुनिया ये जानना चाहेगी, ये क्या खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कि आप पंचायत की भी तैयारी कर सकते हो, आप अर्बन लोकल बॉडीज की तैयारी कर सकते हो, आप डीडीसी की तैयारी कर सकते हो, आप पार्लियामेंट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आप असेंबली की तैयारी नहीं कर सकते? क्योंकि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया, जो यहाँ बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तभी तो ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। आप मानते हैं कि वो डर रहे हैं? और नहीं तो क्या, नहीं डर रहे तो इलेक्शन होते ना? इन लोगों को बिना इलेक्शन के इख्तदार मिला है, यही हमारी बदकिस्मती है। ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं बिना किसी इलेक्शन के। इलेक्शन होने दीजिए, फिर मैं देखता हूँ ये क्या करते हैं। पता नहीं, ऐसा तजर्बा मेरी जिंदगी में, सियासी जिंदगी में पहली दफा हो रहा कि जहाँ इलेक्शन
आने का नाम ही नहीं ले रहे, वरना हमेशा गवर्नर रूल या असम्बली 5-6 महीनों के लिए भंग रहती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 साल हो गए। तो इसलिए ये मेरी समझ से भी बाहर है और मेरे तजुर्बे से भी बाहर। अपोजिशन यूनिटी एक कॉल है, कई लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, आपने तो पूरा मुल्क देखा है, राइट टू लेफ्ट, ईस्ट टू वेस्ट, दिख रही है आपको अपोजिशन यूनिटी? कल उमर अब्दुल्ला से यही सवाल पूछा था मैंने, उन्होंने कहा जो बड़ी पार्टियां वो तो करती नहीं, नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब का मैं समर्थन करता हूँ, उनका मैं जो उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छा कहा, क्योंकि मैं उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन था जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, और जब मैं ज़मीन पे 4 घंटे बैठा, जो कि उस वक़्त पार्लियामेंट ने दिखाया नहीं, और अपनी साथियों के साथ, लेकिन कोई दूसरी पार्टी मेरे साथ नहीं बैठी, जो हमारे अलाइज थे वो भी नहीं बैठे, और जब वोट खिलाफ में हुआ कुछ दिन बाद, उसके लिए भी तकरीबन मुझे उनके पांव पकड़ने पड़े, तो कुछ लोगों ने वोट दिया। और लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा में हमारा लीडर पोजीशन नहीं था, तो लोकसभा के लीडरों से भी मैंने ही बात की उस वक़्त दूसरी पार्टीज़ के, तो कुल उन तमाम पार्टियों को मोबिलाइज करके भी सिर्फ हमें 14% वोट मिला, 86% बीजेपी को मिला। तो उमर साहब ने ठीक कहा कि जब कश्मीर में ज़रूरत होती है, आज 6 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई एक पार्टी नहीं कह रही है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, एक पार्टी ने 6 साल से पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है, मेरा भी वही शिकवा है दूसरी सियासी पार्टियों के साथ कि जब पर उन पे बन आती है तो फिर यूनिटी की बात करते हैं, और जब हमें 6 साल से 8 साल से हमें एक मुसीबत में जूझ रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूटी बनाया, स्टेट हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी स्टेट को यूटी में तब्दील किया, किसी ने उफ तक नहीं किया। कई जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने तो बीजेपी के साथ वोट किया पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। मैं नहीं समझता कि वो डरती है या नहीं डरती है, लेकिन क्यों नहीं करती है ये मुझे नहीं मालूम।